हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नूरपुर द्वारा बालिका आश्रम गरली में आश्रम की बालिकाओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव नेहा धैया ने बालिकाओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का संचालन किया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बालिकाओं के दो ग्रुप छठी से आठवीं और नौवीं से बारहवीं तक की छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नेहा धैया ने बताया कि बच्चे समाज का एक बहुत ही संवेदनशील वर्ग है और ये बालिकाएं आश्रम में जिला सेवा प्राधिकरण का कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि यहाँ रहने वाले बच्चे समाज में अपने आप को अकेला ना समझे और इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर रखा जाए ताकि ये समाज में पीछे ना रहकर सबके साथ चलें और इनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पारितोषित भी वितरित किए गए। प्रतियोगिता के उपरांत प्राधिकरण द्वारा आश्रम में फल व चॉकलेट भी बांटे गए। ये आज का जो कार्यक्रम था, ये क्विज कॉम्पिटिशन हमने ऑर्गेनाइज किया है जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आज यहाँ पे हमारे बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी आए थे और मैं बतौर सचिव इस अथॉरिटी का कार्यभार ले रही हूँ। और हमने क्विज कॉम्पिटिशन इन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया ताकि इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप हो सके। हमने यहाँ पे दो ग्रुप्स बनाए हुए थे, एक वो लड़कियाँ जो कि सिक्स से लेकर एट तक पढ़ती हैं उनका एक ग्रुप बनाया था और एक जो कि नवीं से लेकर बारहवीं तक पढ़ती हैं। तो इन दो ग्रुप्स के लिए हमने आज क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमने कुछ जीके के क्वेश्चंस डाले थे, कुछ करंट अफेयर्स के, कुछ इनके सिलेबस के, ताकि कल अगर इनके स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो कहीं अपने आप को पीछे ना समझे और आगे आके उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। विधिक सेवा प्राधिकरण है, आमतौर पे यूजुअली जो हमारा काम होता है, हम यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, जागरूकता शिविर भी हमने लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन भी की जाती है। और वो इसीलिए की जाती है ताकि यहाँ के बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई गार्डियन नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, अकेले में हैं बच्चे, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे कहीं मेन बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम लाइन में आए और कहीं पीछे ना पिछड़ जाए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमेशा हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, ताकि इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, मोराल बूस्टअप हो और ये मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ भी आए और मैं तो ये कहूँगी कि उनसे भी आगे बढ़े।